हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में, जिसमें हम लोग करते हैं रोज कुछ ना कुछ बेहतरीन। हालांकि आपको पता होगा इस हफ्ते हमने बहुत सारे ऐसे नए क्वेश्चन सीखे होंगे जो आपने शायद कभी ना देखे हों। ठीक है, तो बच्चों को लगता रहता है सर ये कैसे है? एक बच्चे का कमेंट आया सर पांच ऑप्शन को एड कर दीजिए तो थोड़ा बेहतर होगा। हमने कहा देखो बच्चा ऐसा है कि आप एक एग्जाम की तैयारी कर नहीं रहे हो, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी आपको बता देती है आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी हो जाता है कि हम पांच ऑप्शन का इंट्रोड्यूस करने का सोचते भी हैं, कभी कभी तो करके भी लाते हैं, भले नन ऑफ दीज ही लगा दो, ऑल ऑफ दीज ही लगा देते हैं। लेकिन मुझे लगा कुछ बच्चों को ज्यादा परेशानी हो जाती है, कहते हैं सर प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है, 20% ही रह जाती है तुक्का मारने वालों की, इसलिए थोड़ा सा ऐसा नहीं किया। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत है। अनुभव, निहारिका, सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे। सेशन कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लास्ट में आपको जरूर डालना होता है, जैसे जो बच्चे देखते हैं। ठीक है, आप बच्चों लाइक जरूर कर देना, जो जो बच्चे आ जाते हो ना लाइक कर दिया करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चलो नाबार्ड हर, ये हमारे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारी मंथन। साथ साथ बच्चा इसमें क्रॉप फिजियोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, इसके बाद फिशरीज है, सारे बाकी आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट है, एपिकल्चर, सेरिकल्चर, लैकल्चर और मशरूम कवर कर लेते हैं बच्चा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, सारी सारी नई नई अपडेट के साथ में जो आपको मिलती रहेंगी। हम आपको बता देते हैं बच्चा, आपको ऐप भी डाउनलोड कर लेना है जिसमें आपको बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल भी मिलेगा। कोई भी नोटिफिकेशन आती है आप तक हो सकता है कभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन जब हम ये दे देते हैं ना तो आपको ये भी पहुंच जाती है। ठीक है, जल्दी से जाओ कर लो। बहुत बहुत स्वागत है स्मृति, योगेंद्र, सोनाली, विकास, पल्लवी, खुशी, जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे। दामिनी, बच्चा सभी को गुड इवनिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके कर लेंगे, ये एक रिवीजन टेस्ट है आज पूरा का पूरा जो हम लोग सैटरडे को करते हैं। स्कोर आपको शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कई बार हमने बताया भी है, आज वही सारे क्वेश्चंस हैं जो आप पहले देख चुके हैं, जल्दी जल्दी से बस आंसर फेंकते जाइएगा। ठीक है ना, इस पर ये पकड़िए, हमको सब आता, आई नो ऑल द थिंग्स, और ये चीज हम चाहते हैं आपसे कि यार ये प्रूफ हो जाए। और ये प्रूफ कैसे होगा, क्या सर प्रूफ करवाना है? सर ये प्रूफ करवा रहे हैं कि यार एक एक चीज जो जो हम तुम्हें पढ़ाते हैं तुम्हें सब चीजें आ रही हैं। जिस दिन तुम्हें ये प्रूफ कर दिया ना, बस मेरा काम हो गया, बस मुझे यही चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। पेडी, बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर आया गौरव का, बहुत बढ़िया गौरव, स्मृति, शरद, पल्लवी, सोनाली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, राहुल, मास्टर बीन, ओ माय गॉड, मिस्टर बीन भी हमारी क्लास में आ गए हैं, ये यार सही है। ओ काइस, मिस्टर बीन सही है, पेडी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रबर हंसकर हम लोग इसीलिए यूज करते थे। अगले प्रश्न की आते हैं, प्रश्न की ओर। डैश सेपरेटर कौन सा सेपरेट से जो ग्रेन करता है एज पर देयर राउंडनेस, उसकी गोलाई के हिसाब से उसको क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, जल्दी से बताओ। स्मृति बारले बता रही है, बहुत ख्याल रखता तुम। ठीक है, सबका बहुत अच्छा आंसर है। अच्छा ये बताओ यार, तुम लोगों से बात करने का मन करता है, तुम लोग एक तो कभी बात बात तो करते नहीं हमसे यार, कभी आओ इंस्टाग्राम पे फिर कम से कम लाइव जुड़ा जाए। मैं सारे बच्चों से आपसे मिलना चाहता हूँ, स्मृति है, सोनाली है, मिस्टर बीन है, अनुभव है, राहुल है, शरद है, ठीक है ना, सोनम, सभी से बच्चा मिलना है आपसे। कैसे मिल सकते हैं? मिलने के लिए एक साधन है यार इंस्टाग्राम पे, तो हम सोच रहे हैं यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और फिर वहां पे हम लोग मिले आपसे। ठीक है ना, हाँ, और कभी कभी कंफ्यूजन भी हो, कभी कोई बात है तो यार वहां पे रहोगे तो कभी बात है तो होती रहेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना है, फिर अपन कभी ना कभी तो कभी क्या आज ही बताओ तो आज ही आ जाते हैं और थोड़ी देर हम लोग लाइव चैट करेंगे। ठीक है, आप हमें देखिए, हम आपको देखते हैं। ठीक है, अच्छा फॉलो कर रखा है, ये बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो आप कर लीजिए। सर आपने फॉलो बैक नहीं किया, बच्चा हम पता है, मैं रियलिटी बता दूं, मैं अपनी, मुझे फॉलो बैक करना नहीं आता। ठीक है ना, मतलब मैं इंस्टाग्राम कम यूज करता हूँ। मैं फेसबुक ज्यादा यूज करता हूँ वैसे। कर लूंगा यार, कैसी बात कर ली, कर देंगे फॉलो बैक कर देंगे, क्या बात कर दी। ठीक है, आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, स्पाइरल। ठीक है, तो हम कभी कभी एक दिन आए थे हम सारे अपने पेड क्लास के बच्चों से कभी कभी इंटरेक्ट किए ऐसे ही, नहीं कुछ तो यार बातें करने में, यार मेरा कोई नहीं आता। ठीक है ना, यही सब लोग हैं, चार लोग, और इसके बाद आप ही हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, तो कभी कभी मन करता है तो आइए फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बताओ भाई, कौन सी गैस होती है भाई रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में, ऑक्सीजन, फ्रियोन। तुमसे कभी पूछा जाए कोल्ड स्टोर में कौन सी गैस यूज की जाती है कोल्ड स्टोर में, ठीक है ना, दामिनी कह रही है सर झूठ, झूठ नहीं है, सही बता रहे हैं तुम्हें। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते,
प्रियोनी है बच्चा। अच्छा तुमसे कभी पूछा जाए कि हमारे कोल्ड स्टोर में कौन सी यूज होती है, तो याद कर लेना बच्चा R22, ठीक है ना, R22 ये गैस यूज की जाती है किसमें, हमारे जो उस वो होता है कोल्ड स्टोर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, बताओ भैया स्प्रे इज कॉल्ड वेन द वॉल्यूम मीन डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट बिटवीन, किसके किसके बीच में होता है, जल्दी से आंसर दो। जल्दी से आंसर दो बच्चा, नन्ही आंसर दो, क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया सोनम, सबसे पहले ओकाई शरद दामिनी, बहुत बढ़िया बच्चा पल्लवी, एकदम सही जवाब है सभी का, शत प्रकाश राहुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है मधुर। में आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा आंसर हो जाएगा 100 से 400, ठीक है ना, कई बार हमने इसे बताया भी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यूज ऑफ हाई कैपेसिटी ऑफ क्वाइट कॉमन फॉर द मैनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप, किसको यूज करोगे बताओ हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, बताओ भाई। क्वालिटी खराब आ रही है तो भैया अपना तुम ना उसे नेट को सही करो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आंसर 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 पावर, बिल्कुल सही है, पावर हमारा क्या हो जाएगा, पावर डस्टर यूज करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न था एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द राइजोबियम, राइजोबियम के निम्न में से कौन सा भैया, ये बता दो ऐसे ही क्वेश्चन को क्यों पूरा पढ़ना अगर तुम्हें आ रहा है। अच्छा गाँव गए हो, सही है मॉलिब्डनम, सही जवाब है मॉलिब्डनम, बिल्कुल सही जवाब होगा, राइजोबियम की हमारी एक्टिविटी के लिए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चा है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ फ्रूट ट्री विद द पॉस्चर, फ्रूट ट्री के साथ पॉस्चर किसको लगाओगे, जल्दी से आंसर देंगे एक मिनट के अंदर। अमित जल्दी से आंसर दो बच्चा, मान सिंह आंसर चाहिए बच्चा, लेखा सिन्हा जल्दी से आंसर दो बच्चा, मिस्टर बीन बहुत अच्छे ओकाश प्रकाश अमित आकाश नन्नी और विकास जी, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का, लेखा बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, हॉर्टी पॉस्चर, क्या हो जाएगा हॉर्टी पॉस्चर, ठीक है ना, इसको तो समझते हैं हॉर्टिकल्चर के साथ पॉस्चर करना। अगले प्रश्न का जवाब देंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसिंग कहां पर मेनली की जाती है, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से आंसर दो बच्चा। और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया ना, अंकिता सरोज जल्दी से जाओ बच्चा, सेशन को लाइक करो एक मिनट के अंदर, ठीक है, जितने देख रहे होते उतना भी अगर आ जाए ना तब भी तसल्ली रहती है, जी जुड़ा जाता है हमारा। डी सही जवाब है, डी यानी कि बच्चा हमारा मेनली कहा, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन में होता है, बताओ भैया, होलो हार्ट इन द ग्राउंड नट, होलो हार्ट किसमें होगा, होलो हार्ट जल्दी से जवाब दो, स्मृति पल्लवी हाँ मौसमी बच्चा जल्दी से आंसर दो, आकाश विश्वास जी क्या कह रहे हैं, मेघालय नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चा, हमारे उधर ही मेनली हम लोग करते हैं, ठीक है, हॉलो हार्ट, हॉलो हार्ट जवाब आ रहा है सबका, क्या कह रहे हैं सर, बोरान की डिफिशियंसी, एक बच्चे ने डी लगाया है उसको पकड़ के लाएंगे अभी हम, हाँ ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बोरान और बी फॉर दूसरा ऑप्शन, दूसरा ड्रिप इरीगेशन रिकमेंडेड फॉर, ड्रिप इरीगेशन मेनली किसके लिए, ऑयल सीड फ्रूट या फिर हमारा सीरियल या फिर लेग्यूम, किनके लिए रिकमेंडेड होता है मेनली, रिकमेंडेशन का मतलब समझ रहे हो ना, जल्दी से बताओ बच्चा, रिकमेंडेशन का मतलब किसमें मेनली यूज करना चाहिए, है ना, फ्रूट ट्रीज में, क्यों भैया वो थोड़े बड़े हैं आराम से पानी की जरूरत है, बूंद बूंद टपका भी दे तो इन्हें, ठीक है ना, हाँ सिमचा बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई अगले प्रश्न पर आ जाओ, अगला प्रश्न है नाइट्रिफिकेशन इज अ कैसा प्रोसेस हमारा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स या फिर नन ऑफ दिस, मिस्टर वीन जल्दी से आंसर चाहिए, चंद्र घोष जी जल्दी से आंसर चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है सभी का, हाँ विद्या बिल्कुल बढ़िया बहुत बढ़िया, भूमिका बिल्कुल सही आंसर है बच्चा, अमित सही आंसर है तुम्हारा भी, एक डी वाले आंसर सही हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑक्सीडेशन, क्या है ऑक्सीडेशन, कई बार पढ़ा है फिर भी बच्चों ने आंसर क्या दे दिया, बहुतों ने बी आंसर दे दिया है, बहुत मार खाओगे तुम, हाँ देख रहे हैं आकाश तुम्हारा गलत है, ठीक है सोनम तुम्हारा भी गलत है, गलत करती है नाक कटाती हूँ। अब मशीन यूज टू कट द हार्वेज, हार्वेज को कट करने के लिए बताओ भैया कौन सी इसमें जरा मशीन का यूज करेंगे बताना जरा, गलत हो गया हमने देख लिया लाला, नाइट्रिफिकेशन डी नाइट्रिफिकेशन रिडक्शन है, ये सही है, कंफ्यूजन कर रहे हैं ऐसे याद कर लो यार, है ना, इसमें तो ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं लाला मेरे,
तुम्हारा सही है चंद्र, बिल्कुल सही कह रहे हो। मोवर 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 मोवर, बिल्कुल आंसर भी क्या हो जाएगा, मोवर विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आ जाओ जल्दी से। बताओ भैया, इक्विपमेंट फॉर द प्लेसिंग डैश 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 इज कॉल्ड द ट्रांसप्लांटर, क्या रखेंगे तो ट्रांसप्लांटर कहलाएंगे, बताओ भैया, ए बी सी या फिर डी, जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया निहारिका, सबसे पहले सत्य प्रकाश, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जयश्री, आंसर बिल्कुल सही है बच्चा, आंसर क्या हो जाएगा बी है, सही जवाब है, सही जवाब है, आंसर क्या हो जाएगा बी। फिर भी बच्चे ए आंसर लगा गए, कुछ मार खाओगे तुम पक्का, पिटाई होगी तुम्हारी पिटैया। आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आकाश, आंसर क्या हो गया प्लांट। अगले प्रश्न पर आ जाओ, बताओ डिजीज कौन सी सिल्क वॉर्म की बच्चा मदर मॉथ एग्जामिनेशन से पता लगाई जा सकती है, जल्दी से आंसर देंगे। हाँ योगेंद्र, सीड ड्रिल में सीड, बिल्कुल सही है। सुधांशु गौतम, बिल्कुल सही जवाब बच्चा। निहारिका, दामनी, सोनम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो तुम्हें रट गया होगा अब तो। हाँ सेरिकल्चर के एक दिन बहुत जल्दी मैराथन लाने वाले हैं आपके सामने। आंसर क्या हो जाएगा, पेब्राइन डिजीज, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर आ जाओ, बिल्कुल सही जवाब है सुधांशु जी, आ जाइए। बताओ भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सीरियल्स, सीरियल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, सीरियल्स के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम तो बच्चा किसमें होता है, अरे वो तुम्हारा दलहन में होता है ना। हाँ जल्दी से बताओ मेरे लाल, सी 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 सी, ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब बच्चा, ए और बी दोनों होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर आ जाओ बच्चा, बताओ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म वेयर वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज न्यूट्रल, एक को कुछ नहीं, एक को फायदा और एक को कुछ नहीं, क्या आंसर दोगे। हाँ सीरियल्स में बिल्कुल एजिटोबैक्टर होता है बच्चा, सही आंसर है, जल्दी से आंसर दो। हाँ ये वाले में कई बार हमने बताया भी है, इस बारे में कई बार बताया है, बी आंसर सही है। क्या अमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को घाटा एक को कुछ नहीं, अमेंसलिज्म और एक को फायदा एक को कुछ नहीं, कॉमेंसलिज्म दोनों को फायदा, सिम्बायोसिस, ठीक है ना, अगर दोनों को घाटा कंपटीशन, क्या बोलेंगे, कंपटीशन बोलेंगे, ठीक है ना। चलो आंसर हो गया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सोल्यूट इन द ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ प्लांट इन स्ट्रेस कंडीशन, बताओ स्ट्रेस कंडीशन में कौन सा हार्मोन निकालेगा प्लांट, बाबू ए बी ए निकालता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कौन सा होगा, जल्दी से आंसर देंगे, प्रोलीन, प्रोलीन बिल्कुल, ओकाय स्मृति, दामिनी, आकाश, शिवी, शत प्रकाश, स्मृति, राहुल, सभी का जवाब बिल्कुल सही है, अमित, मनीष, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंसर क्या है हमारा, प्रोलीन, ठीक है। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जनरेटेड फ्रॉम, ऑक्सीजन कहां से आती है मेरे लाल, जल्दी से बताओ ऑक्सीजन कहां से आती है, सोनम बिल्कुल सही जवाब है आपका, सोनम, लेखा, सोनाली, शत प्रकाश, स्मृति, बिल्कुल सही जवाब है बच्चा, वाटर, बिल्कुल सही, आकाश चौधरी सबसे पहले आंसर देते हुए, दामिनी, मधुरिमा, स्मृति, आकाश, सभी का आंसर एकदम से सही है, पल्लवी बच्चा बिल्कुल आंसर सही, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वाटर ओनली, क्या हो जाएगा, वाटर ओनली, ठीक है ना राहुल। चलो आगे आ जाओ, बताओ इन लेग्यूम्स रेड कलर जो बच्चा आता है वो किसके कारण होता है, ए बी सी डी, सरद आंसर दो बच्चा जल्दी से, बिल्कुल रूपेश कुमार जी आंसर बिल्कुल सही है तुम्हारा, एकदम 100%, ठीक है, बहुत बढ़िया विश्व, आंसर सही है सभी का, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा हमारा लेग हीमोग्लोबिन, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चले आगे, आगे आ जाओ, आगे हमारा प्रश्न है, बताओ भैया जो हमारा 15% बता रहा है कंटेंट किसका, मॉइस्चर का, खत्म यहीं से खत्म, 15% मॉइस्चर, बताओ भाई आंसर, डिहाइड्रेशन, पानी निकाल दिए, 15% मॉइस्चर रखे हैं, बिल्कुल दामिनी, बहुत बढ़िया, आकाश सबसे पहले आंसर देते हुए, फिर चंद्र घोष, बिल्कुल सही जवाब, आंसर, आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, हे विल बी द राइट आंसर, 15% मॉइस्चर। और अगर सबसे अच्छी क्रॉप पूछा जाए तो क्या लगाएंगे बच्चा आप, क्या लगाएंगे आप, लगाएंगे लेग्यूम, ठीक है ना, बर्फी मौसम मेनली मानी जाती है। वही अगर हम लोग बात करते हैं किसी साइलेज की, मक्का सबसे अच्छी, बाकी जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो हम लोग रखते हैं साइलेज, इसमें 15% मॉइस्चर, लेकिन उसमें 60-70%। बताओ भाई मेजर प्लांट जो हमारे मीट डियर फास्फोरस और पोटेशियम के रिक्वायरमेंट को किस प्रोसेस से पूरी करते हैं, डिफ्यूजन, मास फ्लो, कॉन्टेक्ट एक्सचेंज या फिर रूट इंटरसेप्शन, जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। योगेंद्र डिलेट ना है, डिलेट ना है बच्चा, नन्नी कह रही है, लेखा सिन्हा, उपार्जन, अरे यार तुम लोग बतिया लो पहले है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन आंसर आया है, और आप सभी का जवाब है क्या, बिल्कुल सही बच्चा, एकदम सही जवाब है, ठीक है। चलो आ जाओ,
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट, इसमें से C4 पाथवे किसमें चलता है? जल्दी से आंसर, C4 पाथवे किसमें चलता है? मेज, बिल्कुल सही सुधांशु जी, एकदम सही जवाब दिया है, सबसे पहले जवाब दिया, मेज विल बी द राइट आंसर। ठीक है, गुड 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 गुड। अरे शरद इतनी मक्का ना भेजो बेटा, भुट्टा खाने का मन कर रहा है हमारा, ठीक है ना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एन एग्जांपल ऑफ प्रेशराइज्ड इरिगेशन, इसमें से किसको प्रेशराइज्ड इरिगेशन के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताओ। और उसमें जो है हमारा 2.5 से 4.5 जो है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या प्रेशर भी रिक्वायर होता है, और आपका अंडुलेटिंग स्वाइन के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, फ्रोस्ट को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए अच्छा माना जाता है। जल्दी से आंसर दोगे, आंसर कौन सा? स्प्रिंकल इरिगेशन बोलते हैं उसी को बच्चा, क्या बोलते हैं? स्प्रिंकल इरिगेशन। ठीक है, बताओ भाई, वाटर सेविंग इरिगेशन, ग्राउंड वाटर टेबल को किससे मीजर करोगे? ग्राउंड वाटर टेबल को किससे मीजर करेंगे? जवाब क्या होगा? ग्राउंड वाटर टेबल, बी 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 बी, अच्छा ए आंसर, बिल्कुल योगेंद्र सबसे पहले, आकाश चौधरी और योगेंद्र सबसे पहले आ गए बच्चे, बहुत अच्छा आंसर, एकदम सही है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पिज्जोमीटर, क्या हो जाएगा? पिज्जोमीटर, ए विल बी द राइट आंसर। आस्था बहुत बढ़िया बच्चा, एकदम सही है। जयश्री एकदम बढ़िया आंसर। बताओ बच्चा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड, कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्न में से कौन सा इफेक्ट कॉज करती है? जल्दी से आंसर देंगे, ए बी सी या फिर डी। हाँ, आइस फॉर्मेशन, आइस मेल्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल सही है, ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का। पूजा मिश्रा बिल्कुल सही जवाब बच्चा, आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाओ। बताओ भाई, राइजोबियम कौन सी स्पीसीज चाहिए ग्लाइसिन मैक्स के लिए, सोयाबीन के लिए? सोयाबीन और ग्राउंडनट, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे सालवी तुम ही पहले दिए थे, हम देख लिए थे, अरे देख लिया, आप ही पहले दिए हो। सालवी का आंसर सबसे पहले आया था और ये जीत चुकी है ₹1000 का उधार पुरस्कार। ठीक है ठीक है, जेपोनिकम, जेपोनिकम क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई एकदम सही जवाब। अगले प्रश्न पर आ जाओ। बताओ भाई, लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया? जल्दी से आंसर देना है, ठीक है जल्दी से आंसर देना है। पैसा उधार हो गया ना बच्चा, मिल जाएगा। हाँ सही जवाब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे मधु बच्चा, बहुत अच्छा आंसर, सभी का आंसर एकदम सही। मधुरिमा, पल्लवी, जयश्री, सत्य प्रकाश, लेखा, आकाश, नन्ही, मानसिंह, सभी का आंसर सही है। विशु, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लिविंग विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल इसमें से कौन सा प्लांट है? जल्दी से आंसर देंगे, सत्य प्रकाश, स्मृति, जल्दी से आंसर दो बच्चा। बहुत बढ़िया, सुधांशु जी का सबसे पहले आंसर आता हुआ और ये जीत चुके हैं फिर से उधार पुरस्कार। राइस नहीं होगा बच्चा, आंसर क्या हो जाएगा? मेज, ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा? मेज, ठीक है ना, बहुत बढ़िया विशु, आंसर सभी का सही है। शुभम बढ़िया बच्चा, एकदम बढ़िया। अगले प्रश्न पर आ जाओ। बताओ, एरोपोनिक्स पोर्तुगीज बर्ड है और न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक डेवलप की गई थी एलन कूपर के द्वारा, इसमें से सही और गलत का आंसर चुनाव करें। जल्दी से आंसर दें, आंसर का चुनाव करें, आखिर क्या होगा आंसर? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, कह रहे सर जी हम मान लेते हैं कि क्या है, ए फॉल्स है और बी करेक्ट है, यानी ए आंसर एकदम सही होगा, लेकिन बच्चों ने लगा दिया है बी, क्योंकि क्या हुआ, एक बच्चे ने लगा दिया था, इसके बाद फिर क्या रेल बनती चली गई और फिर गलत का एक बहुत बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। ठीक है, यही चाहिए भैया, यही चाहिए, ए इज फॉल्स और बी इज करेक्ट। आ जाओ, मैक्सिमम एरिया अंडर द हाइड्रोपोनिक्स, बताओ भैया कहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोपोनिक्स का एरिया है? सबका तो सही है, अरे सबका नहीं सही था, इसमें थे 4-5 थे, तुम नहीं देखे, हम देख रहे हैं, हम नजरें गड़ाए हैं आप पे ही ऐसे, ठीक है, तुम क्या लिख रहे हो हम सब देख रहे हैं। ठीक है, आंसर बी, बहुत बढ़िया सही है, आंसर सभी का सही, इजराइल विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। बताओ, ग्रीन हाउस फॉर द कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, भैया ये कब शुरू हुआ था? ग्रीन हाउस कमर्शियल फ्लोरिकल्चर के लिए इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? जल्दी से आंसर देंगे। चंद्रघोष एकदम सही, लेखा, पलक साहू बहुत बढ़िया, सालवी 65, आकाश चौधरी सबसे पहले, बहुत बढ़िया, बी 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 बी, मधु एकदम सही आंसर बच्चा, एकदम सही आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर विल बी 1965, ठीक है ना, 1965। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बताओ भाई, सीफेट हमारा लुधियाना पंजाब में है? कह रहे हाँ, लग तो रहा है। बताओ भाई, आई आई
सीपीएसटी जो भैया लखनऊ में है। आंसर 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 कह रहे सर ए करेक्ट है, ये कंफर्म है। बी बी नहीं करेक्ट है, बिल्कुल सही, ए सही है, बिल्कुल सही है जवाब स्मृति, सबका आंसर एकदम सही। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ भाई जिंक ट्रेसिंग कब लेते हैं, जिंक ट्रेसिंग, जिंक ट्रेसिंग। ओके बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही है योगेंद्र, बहुत अच्छे सुधांशु, बहुत अच्छे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 3 से 10, ठीक है ना, बिल्कुल सही है 3 से 10। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डैश डैश इज द प्रोसेस ब्रेकिंग द हार्ड पैन, हार्ड पैन को तोड़ना क्या कहलाता है, खत्म, हार्ड पैन को तोड़ना क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ। पल्लवी विकास बिल्कुल सही है, आस्था लेखा दामिनी सत्यप्रकाश योगेंद्र सभी का आंसर एकदम सही, स्मृति बच्चा एकदम सही आंसर है। विशु चौधरी कह रहे हैं सर सी आंसर होना चाहिए, मान लिया निहारिका, बड़ी देर में तुमने बच्चे आंसर किया है, हाँ सब स्वाइलिंग बिल्कुल सोनम बच्चा, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगी हमारी, सब स्वाइलिंग विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ मल्चिंग, मल्चिंग का क्या इफेक्ट है, ए बी सी डी, इफेक्ट ऑफ मल्चिंग, वाटर कंजर्वेशन कंट्रोल, इरोजन वीड कंट्रोल, या फिर हमारा ऑल ऑफ दिस, ऑल 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 ऑल, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है बच्चा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बहुत अच्छा है, एक एक बच्चे का ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाओ, बताओ भाई बंडिंग एक्सटेंसिवली जो हमारी इंडिया में होती है वो कौन सी है, कंटूर ग्रेडेड जिंग या फिर ए और बी दोनों, कंटूर और ग्रेडेड दोनों, जल्दी से आंसर चाहिए, जल्दी से एकदम। सुधांशु गौशम सबसे पहले, बहुत अच्छे बच्चा, तुम नाम की इज्जत बनाए हो हमारे हमें गर्व है, बहुत अच्छे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों, यानी कि बच्चा फर्स्ट और सेकेंड, यानी कंटूर भी और ग्रेडेड भी, ठीक है चले आगे आ जाओ, आओ बच्चा आगे आ जाओ, बताओ मैकेनिकल मीजर कब एडॉप्ट करते हैं, मैकेनिकली, एग्रोनॉमिक मीजर और मैकेनिकल मीजर दो हमारे मीजर थे याद है, हाँ अगर हमारा कितना होता है तो हम लोग मैकेनिकल मीजर यूज करते हैं, लैंड स्लोप कितना हो जाए, बिल्कुल सही बच्चा, जब हमारा मोर देन 2 होता है तो मैकेनिकल मीजर, अदरवाइज एग्रोनॉमिकल मीजर हम लोग ले लेते हैं, एग्रोनॉमिकल मीजर ले लेते हैं, कई बार बताया ना ये, बिल्कुल सही सत्यप्रकाश, बहुत बढ़िया जयश्री, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल मानसिंह आंसर सभी का सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, भक्ति आंसर एकदम सही है बच्चा आपका, ठीक है चलो आ जाओ, मैक्सिमम एरिया हाइड्रोपोनिक्स का कहां पर है, इसराइल में, ओके दो बार आ गए, ये नहीं ये क्वेश्चन बताओ, हु स्टार्टेड द पायनियर प्रोजेक्ट, पायनियर प्रोजेक्ट ऑन द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन इंडिया, ये आंसर चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पलक साहू, जल्दी से आंसर दो बच्चा, हाँ सही है सही है सही है सही है कह रहे थे पूरा क्या ही लिखे, मन मन लिख के छोड़ दिया, मनमोहन अट्टावर, ठीक है आंसर क्या हो जाएगा, मनमोहन अट्टावर बिल्कुल सही जवाब है, तालियां बजती रहनी चाहिए भाई बहुत गजब है, सबका आंसर एकदम सही। सीफेट लुधियाना में है, आईपीआरआई बताओ भैया कहां, लखनऊ में है आईपीआरआई, आईपीआरआई मतलब बहुत अच्छा लगता है घूमने में, ठीक है जाइए कभी अगर कानपुर तो भैया घूम के जरूर आइए आईपीआर, ठीक है ना, बहुत जल्दी है आकाश कहाँ जाना है, आंसर ये रिपीट नहीं है, ये आईसीपीआरआई है, आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट बी इज फॉल्स, ये लखनऊ में है। आ जाओ बच्चा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है बेंच ट्रेसिंग कहाँ पर आप अडॉप्ट करते, अडॉप्ट आउटवर्ड, आउटवर्ड है बताओ भाई कहाँ पर, लो रेनफॉल या हाई रेनफॉल, हाँ रूपेश आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो 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 आउटवर्ड है यानी कि लो रेनफॉल यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, हाँ याद रखना बच्चा, विंड ब्रेक आर शेल्टर बेल्ट जो हमारी होती हैं भैया ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं कितने टाइम्स ऑन द लीवर्ड साइड, बहुत अच्छे सभी का जवाब एकदम से सही, सभी का जवाब एकदम से सही, आंसर क्या हो जाएगा बच्चा 30 times. अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ रो ऑफ ट्री श्रब्स प्लांटेड अक्रॉस द विंड डायरेक्शन रिड्यूस द विंड स्पीड, आपकी 60 से 80, जल्दी से आंसर दो,
एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था सर विंडवार्ड और लीवार्ड क्या होता है। हाँ तो उसको हमने बताया भी था और कल भी हमने बहुत अच्छे से बताया था कि बच्चा विंडवार्ड और लीवार्ड, विंडवार्ड यानी जहां से हवा आ रही है, जहां से आती है उसको क्या बोलते हैं विंडवार्ड, और जहां को जाती है उधर को लीवार्ड। कहां से आती है कहां को जाती है ज्यादा ना, ठीक है, जहां से आती है हवा उसको क्या बोलते हैं विंडवार्ड, और जिधर को जाती है उधर लीवार्ड। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे ये हमारे पेड़ है, इधर पेड़ के किनारे इधर से आ रही थी ना, ये हमारी क्या हो जाएगी विंडवार्ड, इधर लीवार्ड। ठीक है ना, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, एक और कोई कंफ्यूजन था क्या बच्चे को? हाँ बस ये दो ही थे, आंसर क्या हो जाएगा लीवार्ड साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, हमारा ग्रोथ रिटार्डेंट इसमें से कौन सा दिख रहा है, ग्रोथ रिटार्डेंट इसमें से कौन सा दिख रहा है, जल्दी से आंसर दो। फॉरेस्टी के थ्योरी क्लास बच्चा लगे हुए तो हैं, कुछ लगे हुए हैं, अच्छा ले आएंगे धीरे धीरे, रिकॉर्ड करने वाले हैं अभी हम, कुछ लाएंगे आपके लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चा, सभी का आंसर एकदम सही। आंसर क्या हो जाएगा साइकोसील, जिसे ट्रिपल सी के नाम से जानते हो, और ये तो हमें मालूम है ना। बताओ क्या था केमिकल जो हम लोग यूज करते हैं, इंप्रूव करता है एरिएशन इन्फिल्ट्रेशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, थल शक्ति, जम शक्ति, जल शक्ति या फिर जल शक्ति, जल साथी है और ये जल शक्ति है, यहां से कटा हुआ है। आंसर हमारा डी था, याद है ना, जल शक्ति आंसर था, जल शक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, द सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन मीजर इम्फेसिस इज गिवन ऑन सॉयल सर्वे पे, कंटूर, ग्रेडेड बंडिंग पे, डिगिंग द फॉर्म पॉन्ड, ये सब या फिर सारे के सारे। नन्नी क्या कह रही है, सर आप कौन से सब्जेक्ट वाले हैं? हम बच्चा सब सब्जेक्ट वाले हैं, आपको हम मेनली जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, फिजियोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है और फिशरीज है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, लैग कल्चर और मशरूम कल्टिवेशन, ये सारे के सारे रहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है बताओ द बैक्टीरिया कंसीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्टिंग अमोनिया से लेके आपको नाइट्राइट बनाना है, बच्चा क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दो। हाँ बताओ भाई, हाँ मधु दे देंगे बच्चा, हम आपको बहुत सारी क्लासेस देने वाले हैं, हम आपको एक दिन अपनी पीपीटी दिखाने वाले हैं, फिशरीज ऑफ जो आपका एपिकल्चर सेरिकल्चर का कुछ है कंटेंट हम आपको दिखाते हैं, हम सोच रहे हैं आपको, यार कुछ बच्चों को लगता रहता है यार कैसे क्या चल रहा है, जानने का पूरा अधिकार है, कम से कम मिलना तो चाहिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकोकस ये करते हैं, और नाइट्रोबैक्टर होता है वो हमारा नाइट्राइट को नाइट्राइट बनाने का काम करता है। ठीक है, दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ड्रिप इरिगेशन का प्रेशर जल्दी से बताओ, स्प्रिंकल का तो 2.5 से 4.5 होता है ना, इसका बताओ। लेखा सिन्हा जी जल्दी से आंसर दे बच्चा, मिस्टर एक्स भी आ गया है, कोई मिस्टर एक्स भी आ गए हैं, मिस्टर वीन भी आ गए हैं, इतने सारे मिस्टर आ चुके हैं, क्या बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल श्रेया मौर्य, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा भैया, हाँ बिल्कुल अमीशा, आंसर क्या हो जाएगा बच्चा 2.5 किलोग्राम, सही है, आंसर क्या हो जाएगा 2.5 किलोग्राम। ठीक है ना, चलो ये हमारे क्वेश्चंस थे, जल्दी से बताओ 50 में से कितने नंबर लेके आए हैं आज, 50 क्वेश्चंस में से कितने नंबर आए हैं आपके, बहुत सारे मेहनत कर लिए हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस तो अपने हो गए हैं, जल्दी से नंबर शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद ये अपने पूरे डेली के जो सेशंस हैं ये आपको देखने को मिलते हैं, ये आप जानते ही होंगे। बच्चा एक बढ़िया सी चीज आप जल्दी से सुनो, ये हमारा IBPS AFO का प्री का और प्री मेंस दोनों का एक बैच आ चुका है, कंप्लीट बैच है ये, आज आपका आ चुका है, मतलब आज 25 तारीख है, आज जो इसमें है 26 तारीख है, आपको एक क्लास इसमें हो भी चुकी है, तो अभी 27-28 और हो गए, 27 तो संडे है, 28 को और होगी, इसके बाद में सर हम लोग सब छुट्टी पे रहेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा घर वर भी जाएंगे, मम्मी पापा के पास भी, ठीक है, बहन के पास मेनली, ठीक है, इसके बाद फिर आपको मिलेंगे हम। ठीक है, सिबी कह रही है हमारे 40 आए हैं, आकाश तुम्हारे बहुत कम है, 5 out of 50, तुमने तो नाक कटवा दी, मनीष तुम्हारे 49 नहीं है, झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है ना, स्मृति 48, सोनम 49, मनीष 49, यार तुम लोग ऐसे थे हमें तो पता ही नहीं है, राहुल कह रहा है 55, अभी रुको तुमसे मिलते हैं। बहुत सही है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बच्चा, बढ़िया है। ये हमारा नया बैच आप जल्दी से सुन लो, एक छोटा सा ये और इन्फॉर्मेशन, ये ऑल कोर्सेज में जाके बच्चा यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले Adda 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन आप जल्दी से कर लेना है, ठीक है ना। हाँ तुमने आंसर ही नहीं दिए, हाँ आज देखा है मैंने आंसर नहीं दिए तुमने, हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे तुम बोले थे हम बता दिए थे ना, आप पहले अब आए हैं। देख रहे हैं हम,
ये रहा आईबीपीएस एएफओ का टेस्ट, ठीक है ना। इसमें टेस्ट सीरीज भी है बच्चे, आपको ए बुक भी लगी हुई है, ये प्री और मेंस दोनों का और ये मेंस का। इसमें आपको वायरल मैथ यानी नवनीत सर भी पढ़ाएंगे और आपको संतोष रे सर इंग्लिश के स्पेशलिस्ट ऑल ओवर इंडिया बेस्ट फैकल्टी हैं दोस्त, मानो बस मेरी बात, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज है ये। हाँ तो दोस्त इसको आप एनरोल कर सकते हैं। हाँ एनएससी का डिटेल नोटिफिकेशन कब तक आएगा सर मधु? अभी बच्चा आया नहीं, जैसे आएगा आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तुम्हें नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। सोनम शर्मा चलो आज ही आ जाएंगे किसी टाइम, क्या ही दिक्कत है, मैं फ्री हूँ किसी टाइम आ जाएंगे, कभी भी आप रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तो पहुंच ही जाएगी कि सर लाइव हैं, आ जाइए, ठीक है। ये मेंस का बच्चा बैच है, इसमें आप बाय नाउ करना, बाय नाउ पे यहाँ पर आए कूपन कोड आपको लगाना है Y783A, जैसे ही आप लगाते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देता है 2185 का पड़ेगा, इसमें 2299 दिखा रहा है, नहीं नहीं बच्चा इसमें आपको कॉइंस यूज कर लेना है और कम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो ये कर लेना है आपको, जो बच्चे अभी तक नहीं कर पाए वो कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। और दूसरा सबसे जरूरी ये है कि ये बैच आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इसमें सारे के सारे आपकी फैकल्टी सब क्या इन्वॉल्व हो चुकी हैं, यानी कृष्णा सर का भी बैच आ चुका था, अलग से नहीं खरीदने की जरूरत है, जब आप क्या इस बैच को परचेस करेंगे अलग से मत लेना, ठीक है। ये 2185 का प्री और मेन्स दोनों का जो बैच है बच्चा, ये भी आपका स्टोर पे आ चुका है, ये रहा प्री और मेंस दोनों का बैच, ठीक है। इसमें आपको नवनीत सर है वायरल मैथ, साथ साथ में आपको मिल जाएंगे शुभम सर और संतोष रे सर, ये इंग्लिश में बैच रहता है टोटल, ठीक है। अब कल एक दो दिन में हम आपको पीपीटी भी कुछ चीजें दिखाएंगे भी, क्योंकि बच्चे आप लोग बहुत सारी चीजों से अभी अनअवेयर है तो आपको दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है। Y783 एक कोड लगाइए और इसमें एनरोल कर लीजिए, 3299 दिख रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा आपका, ठीक है। सोनम शर्मा कह रहे हैं दामनी कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से भी। राघव वाजपेयी कह रहा है सर मेरा लास्ट ईयर में 42 नंबर था प्रीलिम्स में, लेकिन इंग्लिश में 5 ही थे। बच्चा एक काम करना, मेरी बात मानना, जैसे आप प्री की तैयारी करो तो प्री का तो बैच लेना नहीं, अगर आपके 42 नंबर थे यानी आपकी प्री की तैयारी बहुत अच्छी है तो आप एक काम करना, आप टेस्ट सीरीज की तरफ जाना, ठीक है। सर ये क्या है, नहीं आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओ, मेरी हम अपनी पुराई नहीं बताएंगे आपको, कोई भी आप टेस्ट सीरीज ले लेना है, टेस्ट सीरीज को लगाते रहना, आपका जो है मेन जो है इंग्लिश है और इंग्लिश को आप अच्छे से तैयार कर लो, बस मैं ये चाहता हूँ इंग्लिश आप अच्छे से तैयार कर लो आपका हो जाएगा, और आपको मैथ और रीजनिंग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपके लिए बहुत है। एग्री वाले सर AGTA की वैकेंसी, यार तुम लोग क्या परेशान, मैं भी उतना ही परेशान हूँ यार, बहुत सारे बच्चे ये बात बहुत बार पूछते हैं, और ये ना इनका जो खेल चल रहा ना, इधर आ रही इधर जा रही है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमें खुद नहीं अच्छा लगता यार ये सब, जल्दी से आ जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि यार इस महीने हमें अगर देखने को मिल जाती है, अगस्त तो चला गया हवा हवा में पूरा पूरा, सितंबर जल्दी से आ जाए तो बहुत सारे बच्चों का काम बन जाएगा, बहुत सारे बच्चों की शादी अटकी है ये समझ लो, हमें मालूम है ये बात, ठीक है। हाँ ठीक है सर, पिन कोड बताओ टॉफी के लिए, अरे नहीं यार आप मत भेजिए, हम ही आपको भेजेंगे जल्दी, ठीक है, बस आपने पूछ लिया, बहुत बहुत थैंक यू। चंद्रगोस कह रहे हैं सर 2024 में आएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, 2023 में आने की पूरी संभावनाएं हैं, और हाँ पेट का फॉर्म जिन बच्चों ने नहीं भरा है तो यार भर दो जाके, जो बच्चे अभी तक इंतजार कर रहे हैं सर पेट का फॉर्म नहीं भरा है तो यार पेट का फॉर्म भर दो जाके, ठीक है ना। योगेंद्र अग्रवाल तुम लोग सब लोग ये मत करना कि यार पेट नहीं भरेंगे, हो सकता है इससे आ जाए यार, इससे आगे इसके बाद में एक और है शुगर कैन सुपरवाइजर, अगर वो मिल गई तो ये इससे बढ़िया वो है, बच्चा इसको जरूर भर देना, पेट को जरूर भरना, ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है इस बात की। राघव वाजपेयी सभी लोग भर देंगे बच्चा, ठीक है, चलो आज की बातें यहीं तक रखी जाए, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। यार तुम लोगों को देखने का मन बहुत करता है, कभी कभी तो लगता है लेकिन कभी बात हो ही नहीं पाती है। हाँ यार योगी बाबा से परेशान तो सबको ही है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों, आपको बहुत बहुत प्यार, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे जल्दी मिलते हैं हम, कब इंस्टाग्राम पे जल्दी से लाइव आएंगे किसी दिन, फिर आपसे बात होती रहेगी, ठीक है। राधे राधे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, और दोस्त और हाँ रक्षाबंधन की पहले से सभी को बहुत बहुत बधाई, ठीक है, बाय बाय।